हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी साइंस का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसका नाम है मैटर अराउंड अस प्योर, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम। तो मैटर वो सारी चीज़ें होती है जिसके पास कुछ मास होता है, मास यानी कुछ वेट होता है, एंड वॉल्यूम मतलब वो कुछ स्पेस को कवर अप करती है यानी कुछ जगह घेरती है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं वाटर, ऑयल और एयर। सो अगर आपको इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो आपको इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले पेज को पढ़ना पड़ेगा। सबसे लास्ट वाले पेज में इसके बारे में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। सो मैटर के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मैटर एक्चुअल में जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो हमने देखा मैटर जो है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। सो ये प्योर सब्सटेंस जो है ये फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। तो ये प्योर सब्सटेंस का मतलब है एक्चुअल में होता क्या है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। चलो ये इसको और अच्छे से समझते हैं क्योंकि इसके टू पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। यानी कि हम एलिमेंट्स को क्या नहीं कर सकते, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में। एंड ये एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें वन टाइप के एटम से ही बने होते हैं ये। एंड यहाँ एग्जांपल के लिए गिवन भी है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, मरकरी है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। एंड ये सारे के सारे सिर्फ एक ही एटम के बने हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। अगर मैं बात करती हूँ आयरन, तो आयरन में सिर्फ आयरन के ही एटम होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है कंपाउंड। कंपाउंड में आगे क्या लिखा है, हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू एलिमेंट्स। इसके क्या होते हैं, एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है यानी कि ये दो एलिमेंट से मिलके बनता है। तो कंपाउंड एक्चुअल में क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। एंड उनको हम क्या कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं वापस एलिमेंट्स में, क्योंकि एलिमेंट्स से मिलके बने तो वापस हम उसको तोड़ के एलिमेंट बना सकते हैं। मगर कैसे, बाय केमिकल और इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस कंपाउंड को तोड़ के एलिमेंट बना सकते हैं। अब कंपाउंड के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए वाटर है, मीथेन है, शुगर है, सॉल्ट एक्सेट्रा। तो हम एग्जांपल के लिए वाटर को ले लेते हैं कि तो आपको ज़्यादा क्लियरली होगा। अब जैसे वाटर को देखते हैं, वाटर का जो केमिकल नेम है वो है H2O। सो वाटर को, वाटर जो है वो हमारा दो एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला है हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन के दो, और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन जिसमें एक। यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम हैं इसमें, एंड जो ऑक्सीजन है उसके एक एटम है H2O। तब ये मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि दो एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं यानी कि H2O बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, दो हैं, एंड ऑक्सीजन के एक एटम हैं। आई होप कि आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है होमोजीनस, दूसरा होता है हेट्रोजीनस। सो यहाँ पे होमोजीनस में क्या लिखा है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सभी कॉम्पोनेंट्स के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं, एंड जिसकी वजह से जो मिक्सचर होता है उसको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और हम इसको सेपरेट भी नहीं कर पाते ईजली। आगे बात करते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। अभी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म का उल्टा होता है, यानी कि हम इसमें मिक्सचर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं कि इसमें किस किस क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, एंड इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे होमोजीनियस में क्या दिया हुआ है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल एक्सेट्रा। यानी कि हम इन सब को ईजिली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। जब हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या आप उसको ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो शुगर को वाटर के अंदर, तो नहीं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। बट जो हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस में जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है
सो हम अगर हेट्रोजीनियस के एग्जांपल्स की बात करें, जैसे यहाँ पे है सैंड है, सॉल्ट है, शुगर एंड सॉल्ट है, एंड वाटर इन ऑयल है, हम इन सबको सेपरेट ईजली कर सकते हैं एंड ये रिकॉग्नाइज भी ईजली हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वाला भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस भी समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि अभी हम जब वापस आएंगे फर्स्ट पेज पे एंड सेकंड पेज का पढ़ेंगे तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स हैं और इन प्रैक्टिकल्स में इन वर्डों का यूज़ किया गया है, तो आप इसको ईजली उन प्रैक्टिकल्स को ईजली समझने के लिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये पहले पढ़ाया है। चलिए चलते हैं फिर वापस अपने पहले वाले पेज पे कि अब पहले वाले पेज पे क्या लिखा है। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस डेट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर। हम ये कैसे जज करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं जो भी हम मार्केट से खरीदते हैं ये क्या है, प्योर हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्ट है, सॉल्ट में लिखा होता है कि पूरे के पूरे 100% ये आयोडाइज्ड होता है, प्योर घी होता है या फिर प्योर मिल्क है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं। Have you ever noticed the word pure written on the packets on this consumable? So, आपने इन consumable item को देखा ही होगा, इनमें लिखा होता है pure word. For a common person, pure means having a no adulteration. Normally जो लोग होते हैं उनके लिए pure का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी adulteration ना हो, यानी कि कोई मिलावट ना हो. But for a scientist, all these things are actually a mixture of different substances. मगर अगर एक scientist के नज़रिए से देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, mixture होते हैं different substances के, एंड हेंस नॉट प्योर, और इसलिए वो प्योर नहीं माने जाते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ फैट, वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा, यानी कि मिल्क के अंदर वाटर है, फैट है और प्रोटीन है। व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज़ प्योर, अगर साइंटिस्ट ये कहता है कि कुछ चीज़ प्योर है तो इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो इसका मतलब ये होता है कि उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब्सटेंस के वो सेम होंगे उनके केमिकल नेचर में। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, उसमें सिंगल टाइप के ही पार्टिकल्स होते हैं। इन अदर वर्ड अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, और इन दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस होता है वो एक सिंगल प्योर फॉर्म होता है किसका, मैटर का, एंड ये सब्सटेंस जो है वो मैटर का ही पार्ट है, जैसा कि हम पढ़ चुके थे पहले। एज वी लुक अराउंड, अगर हम आसपास देखते हैं, वी कैन सी द मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर, तो हम और भी चीज़ों को देखते हैं तो वो मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, हमारे आसपास की और भी चीज़ें मैटर होती हैं, तो वो भी कैसे, टू और मोर कॉम्पोनेंट्स में होती है, मतलब दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स के मिक्सचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सी वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स, ये सारे क्या हैं, मिक्सचर्स हैं। तो अब मिक्सचर की बात आ रही है तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो भी किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर आ रहा कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि इसमें एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, चीज़ें होती हैं, कॉम्पोनेंट से बने हुए होते हैं। सो ये किसका पार्ट है, ये भी मैटर का ही पार्ट है। आगे है, वी नो दैट डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय अ फिजिकल प्रोसेस। हम ये जानते हैं कि अगर मैं डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड की बात करूं, जो पानी में, वाटर में डिसॉल्व होता है, तो मैं इसको वाटर से क्या कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ। अब मैं इसको सेपरेट कैसे कर सकती हूँ, आगे ये पढ़ते हैं। सो यहाँ पे लिखा है इवेपोरेशन, मैं किसके थ्रू इसको कर सकती हूँ सेपरेट, इवेपोरेशन के थ्रू कर सकती हूँ। हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज़ इट सेल्फ अ प्योर सब्सटेंस, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो खुद में ही एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, किस में वापस कन्वर्ट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। अब आगे है, सिमिलरली शुगर इज़ अ सब्सटेंस, शुगर भी क्या है, ऐसी सब्सटेंस है विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, उसमें एक ही टाइप का प्योर काइंड मैटर होता है। इट्स अ कॉम्पोजिशन इज़ द सेम थ्रू आउट, और इसका कॉम्पोजिशन जो होता है वो भी सेम होता है, कॉम्पोजिशन जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, जो जिनके मॉलिक्यूल्स वगैरह जो होते हैं वो फॉर्मली अरेंज होते हैं अच्छे से, एंड जिसमें सेपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, ये भी सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं। वट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, चाहे कोई सी भी चीज़ ले लो उसमें प्योर सब्सटेंस जो होते हैं
वो मे भी हो सकते हैं, इट विल ऑलवेज हमेशा ही इनके क्या होने चाहिए, सेम प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसके अंदर कंटेन होता है एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस. आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर के जो टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर के टाइप को समझने के लिए एक्टिविटी आ रही है 2.1. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स दैट फ्रॉम मिक्सचर वी कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर. सो अगर मैं किसकी बात करती हूँ, नेचर की बात करती हूँ, तो नेचर के बेस पे हमारे जो मिक्सचर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. सो हम पढ़ते हैं इसमें एक्टिविटी 2.1. इसमें क्या है, लेट अस डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी. चार ग्रुप में हमें डिवाइड करना है. ग्रुप ए, टेक अ बीकर कंटेनिंग अ 50 ml ऑफ वाटर एंड वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर. अच्छा, आपको ग्रुप ए में क्या करना है, 50 ml का वाटर लेना है. ग्रुप ए को बोलना है 50 ml का वाटर लेने के लिए, एंड उसमें वन स्पैचुला यानी कि एक चम्मच आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर लेना है. एंड ग्रुप बी जो है उसमें क्या करना है, 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 spatula फुल ऑफ कॉपर सल्फेट. अब इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर लेना है जो बी वाला है. तो अब चाहे ए हो और बी हो, दोनों में कॉपर सल्फेट है, तो यानी कि इनमें थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी आएंगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगा. इससे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है. एंड आगे है कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर. ग्रुप सी डी कैन टेक अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट. अब हमें क्या करना है, सी और डी में डिफरेंट अमाउंट लेना है कॉपर सल्फेट का. यानी कि कॉपर सल्फेट तो डालना है एक में, यानी कि एक चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दो सी में, एंड डी में आप 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दो. मतलब थोड़ा अमाउंट में थोड़ा फ़र्क करना है आपको सी और डी में. एंड कॉपर सल्फेट के साथ साथ अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ लेनी है, या तो आप पोटेशियम पर मैग्नेट ले लीजिए या तो आप सॉल्ट ले लीजिए. सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं अगर इसका केमिकल नेम बोला जाए तो. सो आपको क्या करना है, इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट भी, सी और डी में दोनों में ही आपको कॉपर सल्फेट के साथ साथ पोटेशियम पर मैग्नेट का अमाउंट भी लेना है. जैसे कि अगर पोटेशियम पर मैग्नेट को आप सी में 1 spoon डाल रहे हो, तो आपको डी में उसके 2 spoon डालने हैं. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एंड मिक्स द गिवन कॉम्पोनेंट्स. उसके बाद आपको क्या करना है, मिक्स करना है जो गिवन कॉम्पोनेंट्स आपके पास अब आ गए हैं, एंड रिपोर्ट करना है उन ऑब्जर्वेशन को यूनिफॉर्मली इन अ कलर एंड टेक्सचर. उनका ये देखना है कि कलर कैसा, कलर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, टेक्सचर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. ग्रुप ए बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. हमने ये पाया कि जो ए और बी है उसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यानी कि उनके जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसे हैं थ्रू आउट द. सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनस. तो उनको हम क्या कहते हैं, होमोजीनस, यानी कि जिसमें हमारे सारे के सारे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होते हैं मिक्सचर के, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजीनस कहते हैं. एंड इन होमोजीनस को हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं. सम अदर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर आर, मिक्सचर के और भी होमोजीनस मिक्सचर के और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, जो नमक है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, या फिर शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में. ओके, एंड आगे बढ़ते हैं. आगे क्या बोला जा रहा है, कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स. आपको क्या करना है, इन्हीं टू ग्रुप्स के कलर कॉम्बिनेशन को भी देखना है, क्योंकि आपने एक में 1 चम्मच डाला था कॉपर सल्फेट का और दूसरे में 2 चम्मच डाला था. आगे, दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, बट इंटेंसिटी ऑफ द कलर, मगर जो कलर है ऑफ द सॉल्यूशन का इज डिफरेंट. उसमें डिफरेंट हुआ क्यों, क्योंकि उनका जो अमाउंट था वो चेंज हो गया था. दिस शो दैट होमोजीनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन. और यही चीज़ ये शो करता है कि जो होमोजीनस होते हैं मिक्सचर, उनके वेरिएबल होते हैं कॉम्पोजिशन, अलग अलग कॉम्पोजिशन हो सकते हैं. उसके बाद है ग्रुप सी और डी. ग्रुप सी और डी ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच कंटेन अ फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट. हम जो सी और डी को देखते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट पार्ट दिख रहे हैं, एंड हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. एंड हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोनेंट्स. और वो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोनेंट है जिसको रिकॉग्नाइज ईजिली किया जा सकता है. सच मिक्सचर आर कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और इनको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. मिक्सचर ऑफ अ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हैं.
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे हम एक्टिविटी पढ़ते हैं 2.2 की एक्टिविटी हमें क्या कह रही है। सो लेट अस अगेन डिवाइडेड द क्लास इनटू फोर ग्रुप्स। फिर से इसमें यहाँ पे क्या करना है, फोर ग्रुप्स को मैं डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉलोइंग सैम्पल इन ईच ग्रुप, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें। जैसे कि फर्स्ट वाले ग्रुप ए में हमें क्या करना है, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट के डालने हैं, यानी कि इसमें हमें क्रिस्टल्स डालने हैं कॉपर सल्फेट के कुछ ग्रुप ए में, एंड स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। और आपको क्या करना है, पहले में तो जो आपका ग्रुप ए वाला था उसमें तो आपने क्या किया, कुछ ही क्रिस्टल्स डाले, मगर जो बी ग्रुप है उसमें आपको एक चम्मच पूरा भर के उसमें डालना है। एंड उसके बाद सी वाला जो है उसमें आपको चौका पाउडर या फिर वीट पाउडर भी, फ्लोर भी आप ले सकते हो, यानी कि गेहूं या आटा वगैरह। उसके बाद है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक इनटू अ ग्रुप डी, और आपको कुछ ड्रॉप्स डालने हैं मिल्क के, किस मिल्क डाल दो या फिर इंक डाल दो ग्रुप डी में। ओके, एंड ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सिंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली, हमें उसको अच्छे से मिलाना है उसमें और उसके अंदर वाटर को डाल देना है। अब आपकी मर्जी है वो 50 ml लो या 100 ml लो। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, क्या आपको उनके अंदर डाली गई चीज़ें, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको क्लियरली दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। आगे बात करते हैं इसमें, आगे इसने क्या बोला हुआ है, डायरेक्ट अ बीम लाइट ऑफ फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपको एक टॉर्च की हेल्प लेनी है एंड सभी बीकरों के जो मिक्सचर उसके अंदर जो भी कंटेन चीज़ें हैं उस पर आपको वो टॉर्च जलानी है, ठीक है, एंड ऑब्जर्व करना है फ्रॉम फ्रंट से कि क्या वो विजिबल हो रही है, लाइट का जो पाथ है वो क्या ट्रांसपेरेंट होकर आगे बढ़ रहा है, उसका पाथ दिख रहा है आपको। मतलब आपको इन चारों ही बीकर में ये चीज़ अप्लाई करते हुए देखनी है कि क्या लाइट का पाथ दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, लीव कर देना है मिक्सचर को अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद आपको कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है, और उनको हमें फिर से मिलाना विलाना नहीं है, बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपीयर इन द मीन टाइम, यानी कि थोड़े टाइम के छोड़ देना है फिल्टर के बाद। Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि क्या आपको जो आपने जो मिक्सचर्स लिए थे वो क्या कुछ टाइम बाद सेटल डाउन हो रहे हैं, यानी कि कुछ नीचे रुकते हैं, नीचे सारे के सारे उसके कण जो हैं या पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे आ जाते हैं, या फिर वो भी अभी फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर शो करने जा रही हूँ जो आपको शायद से ज़्यादा क्लियरली इसे अंडरस्टैंड करवा पाएगा। सो जैसा कि आप ये इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में आपको तीन ग्लासेस दिख रहे हैं जिसमें पहले वाले को सॉल्यूशन, सेकंड वाले को कोलाइड एंड थर्ड वाले को सस्पेंशन बोला गया है, और यहाँ पे एक लाइट का सोर्स दिया गया है, ठीक है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि लाइट का जो पाथ है इस किस किस में दिखता है और किस में नहीं दिखता है। सो हमारे पास क्योंकि चार सॉल्यूशन चार वो थे बीकर, जिसमें से हम ए और बी जो है वो कॉपर सल्फेट का था, तो ऑब्वियस कॉपर सल्फेट अगर दोनों में डाला गया है तो वो दोनों एक ही रिजल्ट दिखाएंगे, जो कि है सॉल्यूशन, यानी कि वो दोनों क्या है, सॉल्यूशन है। और हमने यहाँ पे ये देखा कि जो सॉल्यूशन है उसमें लाइट बीम जो है वो नॉट विजिबल है, उसमें लाइट बीम नहीं शो होती है, लाइट का पाथ नहीं शो होता। बट मैं अगर मैं सी वाले की बात करूँ जिसमें हमने चौक या फिर वीट फ्लोर हम डाल सकते हैं ये डाला था, तो उसमें हमने देखा कि लाइट का पाथ जो होता है वो विजिबल होता है, दिखता है। एंड जो हमारा डी वाला पार्ट था जिसपे हमने मिल्क डाला था वो हमारा कोलाइड होता है, सो उसमें भी विजिबल होता है। और ये जो विजिबिलिटी है इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या हुआ, द टिंडल इफेक्ट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लाइट को फैलाना किसके थ्रू, बाय पार्टिकल्स, ये जो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं यही क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं इन अ कोलाइड और सस्पेंशन में। सो आप समझ गए होंगे कि जो लाइट पाथ है वो किस में दिखता है, सिर्फ कोलाइड और सस्पेंशन में दिखता है। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो आगे पढ़ते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास
आगे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन से। तो फिल्टर करना है अब हमें मिक्सचर्स को, एंड उसमें देखना है फिल्टर पेपर में कि क्या उसमें हमें कुछ इसके पार्टिकल्स ऑब्जर्व होते हैं, दिखते हैं। तो डिस्कस द रिज़ल्ट, आपको उसका रिज़ल्ट को डिस्कस करना है। तो मैं जैसे कि आपको इसमें इमेज के थ्रू बता चुकी हूँ कि जो ए और बी था वो हमारा एक सॉल्यूशन था, सी जो था वो सस्पेंशन था, एंड डी जो था वो कोलाइड सॉल्यूशन था। सो इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन का इन्होंने इमेज दी हुई है जिसमें ये रहा फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को उन्होंने पहले तो फोल्ड किया एंड उसको कोन की शेप दे दी, एंड उसको उन्होंने क्या कर दिया है, उसके थ्रू उन्होंने सारे के सारे जो भी हमारे पास मिक्सचर थे उन सबको उन्होंने फ़िल्टर करना स्टार्ट किया। एंड फ़िल्टर करने के बाद वो उस रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस में हमें कुछ दिख रहा है एंड किस में नहीं दिख रहा है। सो ऑब्वियस आपको सॉल्यूशन वाले में कुछ भी नहीं दिखेगा, ऑब्जर्व नहीं होगा, बट कोलाइड एंड सस्पेंशन में आपको होगा। सो आप इस तरीके से इन सबको पढ़ के आप कोलाइड और कोलाइड के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में एंड सस्पेंशन के बारे में समझ चुके होंगे। सो आगे हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे, सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या होता है, मैंने आपको जैसा कि बताया था सब्सटेंस जो है वो एक प्योर सब्सटेंस जो होता है वो उसमें कंसिस्ट होते हैं सिंगल टाइप के पार्टिकल्स, यानी कि एक ही सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होने चाहिए उसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। आपको मैं इसके आंसर शो करती हूँ। सो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एंड मैंने यहाँ पे मैटर का भी लिखा हुआ है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम, एग्जांपल के लिए वाटर, ऑयल एंड एयर एक्सेट्रा। सो आप इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर के डिफरेंस के रिगार्डिंग है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलो वो पढ़ लेते हैं। होमोजीनियस और हेटरोजीनियस, होमोजीनियस में क्या बोला जा रहा है, इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और हेटरोजीनियस जो है उसके पास क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होते हैं। होमोजीनियस, होमो का मतलब क्या होता है, सेम होना, एंड हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होना। थर्ड है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, और इट कैन बी सेपरेटेड। आगे है फोर्थ, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, हम सॉल्यूशंस को नेक बाय आइज के थ्रू नहीं देख सकते, यानी कि होमोजीनियस को नहीं देख सकते हैं। एंड इट कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, और इसको हम देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, हम इसे सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। एंड हेटरोजीनियस को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सस्पेंशन एंड कोलाइड, हम इसको सस्पेंशन और कोलाइड दोनों ही कह सकते हैं। एंड जो सिक्स पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इट हैज़ ओनली वन फेस, इसके पास सिर्फ वन फेस होता है, एंड हेटरोजीनियस में टू या टू से ज़्यादा फेसेस हो सकते हैं। अब ये वन फेसेस का मतलब क्या है, इसको हम लेयर के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वाटर और शुगर को मिक्स करती हूँ तो वो जो शुगर है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है एंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसमें दिखता ही नहीं है, हम उसमें शुगर के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। तो ये वन लेयर है, ये वन फेस है, इसमें और लेयर नहीं है। बट मैं अगर ऑयल और उसकी बात करती हूँ, वाटर की बात करती हूँ, तो अगर मैं ऑयल में वाटर या वाटर में ऑयल डालती हूँ तो ये कभी भी मिक्स नहीं हो सकते और ये हमेशा सेपरेटेड रहेंगे, दूर दूर अलग अलग रहेंगे। तो इसमें क्या आ गया, दो लेयर आ गए, दो फेस आ गए। तो ये फेस जो है वो इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। सो आई होप आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब के लिए बाय बाय। We'll be right back.